28 अक्टूबर को साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। धार्मिक दृष्टिकोण से ग्रहण को बेहद ही महत्वपूर्ण और अशुभ घटना माना गया है, क्योंकि जब ग्रहण लगता है तो सभी राशियों के लोगों पर इसका अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण को लेकर कई लोगों के मन में कई सवाल है कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ग्रहण के दौरान किन कामों को करने की मनाही होती है। पहले बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान देवी देवताओं की पूजा भी वर्जित है। चंद्र ग्रहण के दौरान ना भोजन पकाना चाहिए और ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान नंगी आंखों को चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ना ही घर से बाहर जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान तुलसी समेत अन्य पेड़ पौधों को नहीं छूना चाहिए। अगर बात करें कि चंद्र ग्रहण में क्या करें, तो आपको बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण शुरू होने से पहले यानी सूतक काल प्रभावी होने पर पहले से ही खाने पीने की चीजों में पहले से तोड़े गए तुलसी के पत्ते को डालकर रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण होने पर सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान इसके असर को कम करने के लिए चंद्रमा से जुड़े हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। बता दें कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है। भारत में नजर आने के चलते देश में सूतक काल मान्य होगा और फिर ग्रहण खत्म होने तक इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। सूतक काल में मंदिर के कपाट यानी कि द्वार बंद कर दिए जाते हैं और पूजा पाठ भी नहीं होते हैं। हिंदू धर्म में सूतक काल को अशुभ समय माना गया है, इसलिए उस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है। मान्यताओं के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक ग्रहण रात 11:32 पर शुरू होगा और 29 अक्टूबर को सुबह 3:36 पर समाप्त होगा। राजधानी दिल्ली में चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर की सुबह 1:06 पर शुरू होगा और देर रात 2:22 पर समाप्त होगा। ये ग्रहण 29 अक्टूबर को तड़के 1:44 पर अपने चरम पर होगा। ग्रहण भारत के अलावा अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, पश्चिमी और दक्षिणी प्रशांत महासागर, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उत्तरी भाग में नजर आएगा।